मसूरी में एक बार फिर बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। दरअसल मसूरी में रोडवेज की बस से ब्रेक फेल हो गए, लेकिन बस ड्राइवर की सूझबूझ से बस में बैठे 40 यात्रियों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से देहरादून के लिए 40 यात्रियों को लेकर चली थी, तभी 200 मीटर आगे जाकर अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए, जिससे बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। लेकिन बस ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी की तरफ टक्कर मार दी, जिसमें बस में बैठे 40 लोग की बाल बाल बच गए। मसूरी में एक बार फिर बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। दरअसल मसूरी में रोडवेज की बस से ब्रेक फेल हो गए, लेकिन बस ड्राइवर की सूझबूझ से बस में बैठे 40 यात्रियों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से देहरादून के लिए 40 यात्रियों को लेकर चली थी, तभी 200 मीटर आगे जाकर अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए, जिससे बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। लेकिन बस ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी की तरफ टक्कर मार दी, जिसमें बस में बैठे 40 लोग की बाल बाल बच गए। मेरा नाम धीरज मुनि शाह है। कैसा हुआ या, इसका ब्रेक प्रेशर लीक हो रहा है मेरे ख्याल से, और इसका पैडल अंदर घुस गया। तो आपको कैसा पता लगा कि आपने किस तरह से मतलब ऑपरेटर को सूझबूझ? मैंने जैसे देखा कि गाड़ी का पैडल अंदर घुस गया, तो मैं गाड़ी को गियर डाउन करके और मैंने गाड़ी को ऊपर पहाड़ी में मारा है। वो तो शुक्र करो कि इस जगह पे थोड़ी सी मुझे जगह मिल गई, मैं तो ये गाड़ी यहीं नीचे खाई में जाती अभी। कहीं ना कहीं जो और गाड़ियों के जो आगे से जाम लग रहा था, उन गाड़ियों के ऊपर गाड़ी ठुक जाती। तो आपने उच्च अधिकारियों को बता दिया है? उच्च अधिकारियों को अभी मैंने नहीं बताया, अभी परिचालक पहले पैसेंजर को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं, और उसके बाद तब उच्च अधिकारियों को भी सोचना। ये तो आप भी मानते हैं? आप जी मानते तो हैं, इनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। जी 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 बोलो। क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्की है। कहाँ से आया? मैं पंजाब लुधियाना से आया हूँ। आज जो हादसा हुआ है, आप इस बस में थे क्या? बिल्कुल, मैं इसी बस में था और तीसरे नंबर सीट पर मैं बैठा था। अचानक से इनकी बस का अनबैलेंस हुआ, तो सीधा इस साइड में टकरा। अगर यहाँ पर ना आज ये साइड होती तो हम लोग आज सीधा नीचे जाते, और हमारे साथ और भी गाड़ियों आ रही थी, वो जाती। तो खुद को मनाओ ये रास्ता इधर मेरे को मिल गया, तो मेरे को बचाव हो गया। लेकिन इसकी कारण ये बताता हूँ, जो गाड़ी है ना, पुरानी गाड़ी की वजह से मेन हो रहा है। अगर नई गाड़ी होती तो कंट्रोल हो जाती है, पुरानी गाड़ी कहाँ तक कंट्रोल, कहाँ तक कंट्रोल होगी? टैक्स लेते हर चीज का, आप यहाँ पर हर चीज का पैसा, इतना पैसा लूट, यहाँ पर लूट मचाई रखी है, लेकिन किसी चीज को पैसा नहीं लग रहा। फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो प्रशासन से ये कहूँगा, अगर आप पैसा कमाना जानते हो तो लगाओ भी। अगर आपने कमाना है ना, हमसे कमाना है, हम टूरिस्ट लोग हैं, हम लोग बार बार नहीं आएंगे। एक बार आएंगे, अगर ऐसा रहोगे तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा। दो चार साल की बात है, उसके बाद अपने आप फिर सब खाली हो जाएगा, फिर क्या करोगे? ठीक है, ठीक है ना। वो ऐसे मार देते।